आज हम चलते हैं राजगढ़ जिले के राजगढ़ तहसील के एक छोटे से गांव खेरा सिंह में। यह मुख्य सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है। यहाँ की आबादी 1200 के लगभग है। खेरासी गांव में पानी की बड़ी परेशानी है। यहाँ के निवासी दूर दूर से पानी लेकर आते हैं। यहाँ की महिलाएं आसपास के कुओं से पानी लाती हैं। उनमें से कुछ कुओं ने तो दम तोड़ दिया है। गांव में एक पानी की टंकी है, पर वह भी उपयोगी नहीं। जिस प्रकार से पीने के पानी की समस्याएं हैं, उसी प्रकार से सिंचाई के पानी के लिए भी अनेक प्रकार की समस्याएं आती है, जिससे किसानों को पर्याप्त उपज नहीं प्राप्त हो पा रही। यहाँ की जमीन पथरीली व दरार युक्त है, जिससे नमी का संचय व संरक्षण नहीं हो पाता। गांव के अन्य किसानों की तरह ही गांव के एक किसान घीसालाल मालवीय की खेत की जमीन भी इसी प्रकार की थी। ये कुआ है, मैंने 1979 में खुदवाया और 80 में है बन लिया, 1980 में इनको बनवा लिया। और उस समय इसमें जल इतना था, खुद मेरी पोती जमीन में होती, और धीरे 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 इसका जल स्तर कम होता गया। और आज 10 साल से ओलंग इसका बिल्कुल ही जल स्तर घट गया। साथ ही गांव के किसानों को खेती की जानकारी का भी अभाव था। इसी के चलते घीसालाल मालवीय ने इन समस्याओं के निराकरण के लिए अनेक प्रकार के प्रयास किए, परंतु सही दिशा और मार्गदर्शन न मिलने से वो हमेशा पीछे रहे। तब घीसालाल मालवीय एक्सेस डेवलपमेंट सर्विस से जुड़े और संपूर्ण जानकारी प्राप्त की, जिससे कि उन्हें एक नई दिशा मिल गई और एक्सेस के सहयोग एवं घीसालाल के प्रयासों से खेती में जान आ गई। घीसालाल ने एक्सेस के सहयोग से बलराम तालाब का निर्माण करवाया, अपने खेत की मेड़बंदी की, खेत को सीढ़ीनुमा बनवाया, जिससे खेत की मिट्टी खेत में और खेत का पानी खेत में रहे। घीसालाल के पास अब पर्याप्त मात्रा में पानी है, जिससे कि उन्होंने खेती में अच्छा उत्पादन लिया। साथ ही जैविक खेती के भी प्रयास किए, जिसमें उन्होंने नाडेब वर्मी कंपोस्ट भी बनवाया, जिसका वह पर्याप्त लाभ ले रहे हैं और उपज में वृद्धि कर रहे हैं। अब हम मिलते हैं श्री घीसालाल मालवीय से। नमस्कार किसान भाइयों, मेरा नाम घीसालाल मालवीय, ग्राम खेरासी, पोस्ट करेड़ी, जिला राजगढ़, तहसील राजगढ़ का रहने वाला हूँ। और आज से 5 वर्ष से मैं एक्सेस में जुड़ा हुआ हूँ। पहले मेरे है जो कि बहुत पानी की कमी थी और हर एक प्रकार का हमें कोई ज्ञान नहीं था। हम हमारे हिसाब से ये काम धाम खेती बाड़ी करते चले आ रहे, ऐसी समस्या चली आ रही थी जो कि उत्पादन भी कम और पानी की भी कमी थी और आर्थिक समस्या बढ़ने लगी। मेरे समूह का माँ जालपा समूह नाम है और समूह में 20 सदस्य है और हम हर माह में 14 तारीख 15 तारीख मीटिंग भी रखा। सबसे पहले मैं माँ जालपा समूह ग्राम खेरासी इनसे मैं जुड़ा और जुड़वा के बाद मुझे नई नई तकनीकें सीखने को मिली। पहले हमें मिट्टी परीक्षण बताया गया और हमने हमारे समूह वालों को बताया और मिट्टी परीक्षण भी करवाया। उसके बाद में हमने गहरी हकाई जुताई और अंकुरण परीक्षण, इस प्रकार हमें बहुत प्रकार की नई नई तकनीकें सीखने को मिली। बलराम तालाब के बारे में बताया कि आपके पानी की कमी है तो आप बलराम तालाब खुद